हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम बना रहे हैं भथुआ की पूड़ियाँ। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिया है भथुआ। आपने भथुआ के मतलब पराठा खाए होंगे और पूड़ियाँ पूड़ी नहीं खाई होंगी, तो मैंने ये अब मैं इसको अच्छे से तोड़ लेती हूँ और इसकी बनाती हूँ पूड़ी। तो आप देख सकते हैं, ये आज हम पूड़ी की रेसिपी, भथुआ की पूड़ी बनाएंगे। तो भथुआ की रेसिपी आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं भथुआ मैंने अच्छे से तोड़ लिया था और धुल भी लिया है। इसको भगोने में रख दिया है, इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको ढक के उबालने रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं गैस पे मैंने चढ़ा दी है और अब हम इसको ढक देते हैं, 10 मिनट में ये पक जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं भथुआ मेरा उबल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस डलिया में इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हमने भथुआ की पूड़ी भी बनाई है और उसके साथ मैंने सांभर भी बनाया है और उसके साथ आज मैंने इडली भी बनाई है। और अगर आपको इडली और सांभर की रेसिपी अगर जानना है, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मैंने इडली के लिए रख दिया है, 10 मिनट में अभी इडली बन जाएगी, तब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आटा ले लिया है, ये मेरा 1.5 कटोरा तक होगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं अजवाइन। तो अजवाइन को मैं इस तरीके से कस कर लेती हूँ और इसको कस करके डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो दोस्तों, स्वाद अनुसार हमने डाला है नमक, जो मैंने ये भथुआ पीसा हुआ था वो भी अब हम डाल देते हैं इसी में। तो दोस्तों, हम ये भथुआ अच्छे से आटा में मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे, इसी से माड़ेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मैंने इतना उससे सान लिया है। अब हमने ये लिया है जो मैंने भथुआ उबाला था उसी का ये पानी है। तो ये मैंने पानी फेंका नहीं है, क्योंकि सब विटामिन तो इसी में होती है। तो हम इसी से आटा गूंद लेते हैं और आप चाहें तो फेंक भी सकते हैं और आप चाहें तो मतलब आटा गूंद सकते हैं। और मैंने तो इसी से आटा गूंदा है, क्योंकि इसमें विटामिन सब इसी में होती है, तो इसीलिए मैंने इसी से आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आटा मेरा गूंद चुका है और अब हमने गूंद लिया है आटा। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम पूड़ी बनाएंगे, तो हम 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं प्लेट। तो दोस्तों, उधर मेरा तेल गरम हो रहा है पूड़ी निकालने के लिए। तो दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है, देखिए आटा मेरा कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम पूड़ी बेलते हैं। तो छोटी छोटी लोई काट लेते हैं, पर मैं धूरन लगा के नहीं बेलूंगी पूड़ी, ऐसे ही बेल बनाऊंगी। धूरन की पूड़ी है ज़्यादा अच्छी, उसमें तेल भर जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इतनी इतनी लोई काटी हुई है। तो अब हम इसको अच्छे से गोल कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड हम कढ़ाई से लगाते हैं और इस तरीके से बेलते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं पूड़ी इसमें। और आप देख सकते हैं पूड़ी हमारी एकदम फूल गई है। और अब हम इसको पलट देते हैं, ये देखिए एक लंग ब्राउन हो चुकी है एकदम बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। एक भी तेल इसमें नहीं भरा हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी धूरन की नहीं बनाई है, इसमें परथन नहीं लगाया हुआ है। आप देख सकते एकदम बिल्कुल कितनी अच्छी बनी हुई है। अब हम इसी तरीके से साड़ी बना लेते हैं। तो दोस्तों आप हमारी ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़ कि मतलब ये यूट्यूब पे भर में ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। मेरी आप रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी एकदम बिल्कुल कितनी अच्छी बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी पूड़ी एकदम बिल्कुल करारी करारी सी फूली है। आप चाहें तो सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम के भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। और ये वाली पूड़ियाँ मतलब पूड़ी बच्चों को बहुत पसंद रहती है। भथुआ भथुआ की पूड़ी बनाओ ना तो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आज भथुआ की पूड़ी बनाई हुई है। और हमारी रेसिपी अगर आपको जब थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाबू भथुआ पूड़ी खाओगे? हाँ? कैसे खाओगे?